वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक किया गया किला मैदान बक्सर में, जिसकी अध्यक्षता विजय केसरी तथा मंच संचालक दिनेश यादव ने किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, काम कैसे होगा इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। इसको लेकर उन लोगों ने इस बैठक में नीतीश कुमार को कोसते हुए कहा कि हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं, ना ही कुछ समझाते हैं, ना कुछ बताया जाता है। इसमें हम लोग करें तो क्या करें, हमारा शोषण तो होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य को समझाने वाला बताने वाला नहीं है। हम सभी कार्यों से वंचित रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। कोई भी सरकारी योजना भी आता है तो इसका पता नहीं चल पाता है, ना इसकी सूचना दी जाती है। सरकार से मांग करेंगे हमें हर तरह से सुधार दिए जाएँ और हमें जानकारी दिया जाए कि इसके आलोक में हम लोग काम कर सकें, ना कि वंचित रहें। गांव के लोग भी कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो क्यों सदस्यता लेकर यहां पर वार्ड मेंबर बने हुए हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें, सरकार की योजना गांव तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में होता है। सभी सदस्यों द्वारा किया गया बैठक, जिसमें रमेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक यादव, सचिव अर्जुन, मंगरी देवी, गुप्तेश्वर शंकर, राधे श्याम, अजय सर, विद्यासागर, बबलू सिंह आदि सभी वार्ड मेंबर उपस्थित रहे। कुंदन वर्मा की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर। इस तरह से आपका काम अच्छा होगा। पहले का नंबर ये रहा कि जिस तरह से मुखिया संघ जो है, मुखिया जी लोग हैं, उन लोगों का पंचायत सचिव, रोजगार सचिव जो है, दोनों मार्गदर्शक होते हैं, जिसके चलते जो है मुखिया जो है वो अपने बच बचाओं के छाया में रहते हैं। और मुखिया जी जो काम करा रहे हैं, मनरेगा हो या PCC हो, कोई भी किसी तरह का जांच नहीं हो रहा है, लेकिन एक वार्ड सदस्य जो कमजोर तबका के वर्ग के व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो है बार बार जो जांच कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत कुरानसराय वार्ड नंबर 7। हम वार्ड सदस्य को हमेशा अधिकार तो माननीय नीतीश जी के द्वारा दिया गया, किंतु घोर शोषण किया जा रहा है उनके पदाधिकारी एवं मुखिया जिलों के द्वारा। शोषण इसलिए किया जा रहा है कि अधिकार दिया गया लेकिन सात नीचे का पावर दिया गया, लेकिन सात नीचे संबंधित जानकारी नहीं दिया गया। तो बताइए कि जिसके विषय में जानकारी नहीं रहेगा वो कहीं ना कहीं जाकर फंसेगा, किसी न किसी रूप में गलत साबित होगा उनसे, वो उनके ऊपर। इसलिए हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं या वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वार्ड सदस्यों को हर एक माह एक बैठक करें और उस बैठक में सात निश्चय संबंधित सारी प्रक्रिया के विषय में बताया जाए, ताकि सात निश्चय को कैसे कराया जाए तो सरकार के राशि को दुरुपयोग न हो और बिहार में एक विकास की नदी बहे। मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं जिला कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, वार्ड सदस्य महासंघ बिहार। हम वार्ड सदस्य संघ के तरफ से ये कहना चाहेंगे कि वार्ड सदस्यों का शोषण बहुत घोर तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले फाइलिंग को लेकर चलिए, फाइलिंग तैयार करते समय कोई सहयोगी वार्ड सदस्य का नहीं है, न फाइलिंग करने के समय से है, और जो आपका इस्टीमेट बनता है ये किसी वार्ड सदस्य को न समझ में आता है और न कोई वरीय पदाधिकारी इसको समझाते हैं, जिसके चलते वार्ड सदस्य अज्ञानता के वजह से इस कार्य योजना में फंस जाते हैं। प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उसको हर माह में कम से कम दो बार मीटिंग लेके और हर वार्ड सदस्य को इस्टीमेट के बारे में बताया जाए कि नहीं इस्टीमेट का ये कार्य कैसे पूरा होगा। जो भी वार्ड सदस्य फंस रहे हैं इस्टीमेट के जानकारी के अभाव में, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं और न कोई बताने वाला है, इसके चलते सारे वार्ड सदस्य फंस रहे हैं। सब वरीय पदाधिकारी की लापरवाही है, जैसे पंचायत सचिव हो गए, उससे ऊपर जितने भी हैं जो इसके आयोजन करता है, आयोजन करना चाहिए, वो आयोजन नहीं करते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, समय समय पर नहीं बताते हैं कि कैसे कार्य को कराया जाएगा। जब जो अगला कार्य को जानता ही नहीं है कि कैसे कराया जाएगा तो कार्य को कैसे बढ़िया से कर पाएगा। हम रमेश कुमार सिंह, वार्ड संघ जिला अध्यक्ष, सब प्रदेश सचिव,
बिहार।